चौकीदार जय हो तालीबान जय हो चौकीदार जय हो चौकीदार जय हो चाय वाला जय हो अरे जा 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 चाय भी जय भीम जय भीम जा 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 चाय भी जय भीम जय भीम शाहीन बाग पागी पागी पागिया शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं शाहीन बाग संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं जामिया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं केयू तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं केयू तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं वही सब जाएंगे अब एक वही सब जाएंगे ठीक है। दूसरी चीज फिर वो अपनी स्टेटमेंट से खुद ही पीछे हट गए। क्यों? वो डर गए कि जनता को मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं क्यों लेके आया हूँ। मैं बताती हूँ वो क्यों लेके आए। कोई भी कानून जो होता है वो जनता के हित के लिए, और जनता जब किसी कानून का ऑफर मांगती है कि मुझे हमें ये कानून लेके आइए या हमें ये कानून की जरूरत है, तब कानून बनाए जाते हैं। महिला सुरक्षा पे बात नहीं, 4 करोड़ लोग जो है बगैर नौकरियों के घूम रहे, तो क्या होगा? क्राइम नहीं बढ़ेगा हिंदुस्तान में? जब लोगों के पास खाने पीने को नहीं होगा तो लूटपाट बढ़ेगी बढ़ेगी। फिर कहते हो कि रेप हो गया, फिर कहते हो कि चोरी डकैती हो गई, फिर गाड़ियां चुर गई। यहाँ पे पिछले सुरक्षा को लेकर बात है, पिछले 64 डेज से यहाँ पे बैठे हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ और बहुत मुद्दे की बात है, आप मेरी बात इलेक्शन के बाद ही क्यों ऑफर किया? इलेक्शन के बाद उन्होंने ऑफर क्यों किया मिलने का? वो ये सोच रहे थे कि हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन आपने दिल्ली की जनता ने उन्हें दिखा दिया कि वो खुद कितने पानी में है। जीत जाएंगे बट पासा उल्टा पलट गया, करंट उन्हीं को लगा। क्यों लगा, क्यों ऑफर किया बाद में? चुनाव के बाद में क्यों किया? इसी बात बोलना चाहूँ, मैंने मोदी जी की रैली में एक बात सुनी थी कि अब की बार ट्रंप सरकार, ठीक है, उन्होंने बोला था अब की बार ट्रंप सरकार, मोस्ट वेलकम है ट्रंप सरकार का। मगर ट्रंप सरकार के रूल्स और रेगुलेशन तो फॉलो करिए आप मोदी जी। मैं आपका नाम लेके बोलती हूँ कि आप अगर यूएस की या अमेरिका की बात करी जाए या ट्रंप सरकार की बात करी जाए, वहाँ अगर आधी रात में किसी महिला को अपने प्रेसिडेंट से बात करनी है तो ऑन द स्पॉट उसकी बात कराई जाएगी। अगर 3 से 4 साल के बच्चे को अगर बात करनी है अपने प्रेसिडेंट से, तो किसी के माई के दान लाल में ताकत दी जाए अपने प्रेसिडेंट से बात करने से रोक ले, तो कहाँ है वो ट्रंप सरकार? या पिछले 2.5 महीने से औरतें और महिला और बच्चे और बूढ़े और जवान सारे के सारे इसी टेंट में बैठे हैं, सारी कम्युनिटी बैठी है यहाँ पे। कहाँ है हमारी सरकार, कहाँ है ट्रंप सरकार, कहाँ है मोदी जी, कहाँ है हमारा प्रेसिडेंट? अच्छा, मुझे एक चीज और आपसे आखिरी बात पूछनी थी कि आज आप लोग जिस वक्त जा रहे थे तो पुलिस के सीनियर अफसरान यहाँ पर मौजूद थे, आपके साथ में शाहीनबाग की वो दादियाँ, वो ज़ईफ औरतें, वो सब भी मौजूद थे। तो आप लोगों ने क्या कुछ मेमोरेंडम दिया है, कुछ लिख कर दिया है पुलिस की, आपसे क्या बात हुई है वो भी बता दीजिए। बस हमने आगे जाने की परमिशन ही मांगी है, क्योंकि गृह मंत्रालय से ये अमित शाह जी ने कल बोला था कि आप मिलने आ सकते हो। हम एप्लीकेशन ही दे रहे थे और एप्लीकेशन पे ही बात हुई। उन्होंने कहा है कि आप लोग हमारा सहयोग करें, हम ये आगे पहुंचाएंगे और जैसे ये बात आपकी पूरी होती है हम आपको आगे जाने की इजाजत देंगे। आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2 महीने से और हम आपको सहयोग करेंगे। लोग यहाँ मौजूद है, जितने भी लोग प्रोटेस्ट में और जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लॉ के अंदर रह के हो रहे हैं। कोई वायलेंस नहीं है, किसी तरह की कोई और जो वायलेंस करने आ रहे थे वो भी जब जाहिर हो गया। एग्जैक्टली, यहाँ पे गवर्नमेंट आके वायलेंस कर रही है, गवर्नमेंट वायलेंस करवा रही है, और जो लोग आ रहे हैं वायलेंस करने, शूट करने बच्चों को आ रहे हैं, वो जाके बाद में वो नाबालिग हो जाते हैं। अरे नाबालिग थे तो उनके पास गन कहाँ से आई? और वो मानसिक उनको बिगड़ा हुआ था, अपने आप को क्यों नहीं शूट करा, पुलिस को क्यों नहीं शूट करा, क्यों नहीं जाके शूट? बुर्का पहनकर महिलाएं आ रही है, बुर्का देना पड़ेगा। हम देशद्रोही कहाँ से नजर आते हैं बोलते हैं, वो हमें आतंकवादी बोल रहे हैं, आतंकवादी हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोला कि यहाँ जो जितने भी बैठे हैं ना ये पाकिस्तानी गुट है। अरे अरे जो बोलने वाले उनको संस्कृत बातें कैसे कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं? अरे इतने सारे लाखों लोग पाकिस्तान से आ गए, तुम्हारी सरकार कहाँ थी, तुम्हारी मिलिट्री कहाँ थी, सर कहाँ थे सारे लोग? लाखों लोग आ रहे थे पाकिस्तान से, तुम कहाँ थे, अपने घर में सो रहे थे क्या? बिल्कुल, अमित शाह ने तो फ्री मिलने के लिए बोल दिया था कि आ सकते मिल सकते हैं, बोला है, लेकिन वो अपने बयानों पे कायम ही नहीं रहते। आज उन्होंने परमिशन नहीं दी, एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। आज उन्होंने कहा है कि हमारा जगजाहिर विरोध हो रहा है लेकिन हम इस पे कायम रहेंगे। इतना कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों में आपस में, प्लीज खुदा के लिए अपना कॉन्फ्लिक्ट दूर करें। कॉन्ट्रडिक्टरी है। मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि अब तो इलेक्शन में आपने जो किया सो किया, अब तो इलेक्शन खत्म हो गए, वो आप
हमने जो था इलेक्शन का मौजू करके हम उसे माफ कर दे। अब तो आप आइए, बात करने के लिए मोस्ट वेलकम है। हमें गवर्नमेंट की जरूरत है, कोई भी आपके लीडर आए यहाँ पे बात करे और ये बातों से ही टॉक से बिल्कुल डायलॉग से ही मसला निकल पाएगा। जी आप अपनी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। जो है के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम दूसरे के यहाँ डिमांड करेंगे, मांगेंगे, बुलाएंगे यहाँ पर भाई दो। लेकिन आकर के बाद ठीक इससे जाए कोई डेलीगेशन आपका, कोई ग्रुप आपका? हम ये चाह रहे हैं जितने भी प्रोटेस्टर है इस बात के गवाह बने, हर प्रोटेस्टर इस बात का गवाह बने, उनका डेलीगेशन आकर यहाँ बात करे। परेशान दो महीने से हम चाहते हैं वो एक ऑफिशियल लेवल पे ये बात अनाउंस कर दे या पार्लियामेंट से अनाउंस कर दे, एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ये बात बोल दे कि ये नहीं आ रहा है और हम नहीं लाएंगे, आप लोग आराम से अपने घर में। भेदभाव वाला काला कानून, डिस्क्रिमिनेशन वाला वापिस। देखिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो कानून है वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, बहुत से लोग हैं अभी भी ऐसे, बहुत बड़ी मेजोरिटी ऐसी है जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। कोई भी जिस देश में आप ये बताइए, इस पूरे हिंदुस्तान में जो है मेजोरिटी किसकी है? नॉन मुस्लिम्स की मेजोरिटी है। 125 करोड़ में 125 करोड़ मुस्लिम है, बाकी कौन है? नॉन मुस्लिम है ना। एक बात मैं बताऊँ, कहावत है बहुत पुरानी कि गेहूं के साथ तक घुन पिसता है, घुन के साथ गेहूं नहीं पिसता। अगर एक मुस्लिम के साथ खराब होगा तो उसमें 4 नॉन मुस्लिम भी शामिल होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ बेच चुकी है। बीएसएनएल बेच, अमित शाह नहीं मिलते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं मिलते हैं, मैडम आप लोग क्या हटेंगे फिर? कॉन्स्टिट्यूशन के और लॉ के अंदर रह के काम कर रहे हैं। रैली भी जा रही थी तो वो हमारा राइट है कि हम जा सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, सरकार को बोलना चाहती हूँ, कोई भी कंट्री जो है तब चलती है जब आप जनता का हाथ पकड़ के खींचते, जनता की टांग पकड़ के खींचते खींचेंगे ना तो वो कंट्री कभी नहीं चलेगी। जजमेंट आने वाला है, लगातार ये अनाउंसमेंट होने के बाद में कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए यहाँ से शाहीन बाग की दादियाँ, यहाँ की महिलाएं और प्रोटेस्टर्स जाएंगी, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। फिर आखिर कहा क्यों था, बुलावा किसका था, ये क्या हुआ है कि आप लोगों को जाने से फिर रोक दिया है पुलिस ने और आपने फिर ज्ञापन सौंपा है? मुझे तो लगता है कि ये सियासी सब हथकंडे थे, और हकीकत अगर इस तरह की बात होती, अगर वो बुलाना चाहते, मिलना चाहते और NLC और CA पर उसको ख़त्म करना चाहते और इस मुद्दे ही को ख़त्म करना चाहते तो शायद वो मिलने के लिए परमिशन जरूर दे देते। और यहाँ पर जो हमें रोक दिया, परमिशन देते कि वो यहाँ पर शाहीन बाग खुद आते जहाँ बैठिए 2 महीने। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आज 2 महीने से हम यही डिमांड कर रहे हैं, 2 महीने से यही डिमांड कर रहे हैं कि डेलीगेशन यहाँ पर आए, लेकिन मायूसी हाथ आई और इसके अलावा कुछ भी नहीं आया, और यहाँ तक कोई आश्वासन तक नजर नहीं आया। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि 2 महीने के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी से अमित शाह जी ने, तो इस अंदाज में कह करके मतलब एकदम ऐसा बेगानापन मैंने कभी नहीं देखा दूसरी सरकारों में, जिस तरीके से इन्होंने बेरुखी के साथ ये कहा कि दिल्ली का मुकाम दे, उसके अंदर में बात हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके कल हम जब थाने पहुंचे इंटरमिशन के लिए, परमिशन फिर भी हमें नहीं मिली, वहां से हमें मना कर दिया गया साफ तौर पर। फिर उसके बाद आज ने हम कोशिश की कि वहाँ पर हम जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं कि हमारी क्या क्या गलती थी, क्या जो है वजह थी कि हमें 2 महीने से यहाँ बैठने पर सड़कों पर मजबूर किया गया। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन यहाँ भी हमें रोक लिया और ये कहकर रोका कि कल का जो इंटीमेशन आपका था हमने वहाँ फॉरवर्ड कर दिया है, जो भी वहाँ पर इत्तला आएगी मतलब मंत्रालय से जो इत्तला आएगी उसके बाद बताएंगे। उसके बाद आपका क्या नाम है? देखिए उन्होंने हमें बहुत छोटी संख्या में इनवाइट किया है, ये क्रोनोलॉजी हो सकती है। उन्होंने बोला है कि 10 लोग आइए और बात कीजिए, आपस बैठकर आइए और बात। क्यों आएंगे 10 लोग? 10 लोगों की मीटिंग 10-15 की क्यों होगी? क्यों होगी 10 लोगों की? यहाँ जो प्रोटेस्ट 2 मंथ से चल रहा है, यहाँ 10 लोग बैठे हैं, यहाँ हजारों महिलाएं बैठी हैं और वो उनका हक है और वो बात करेंगी और वो सारी जिनकी इनकी टिप्पणियां हैं, जितने भी स्टेटमेंट देते हैं उनके बारे में वो डिस्कस करेंगी। और हमने परमिशन ली है, ठीक है, हमने अपनी सिक्योरिटी मांगी है, ना हमें परमिशन मिली ना हमें सिक्योरिटी मिली, और ऐसे उन्होंने कोई पहल नहीं। जब हमने पहल की तो अमित शाह जी को भी पहल करनी चाहिए थी, उनको डेफिनेटली करनी चाहिए थी, उन्होंने क्यों पहल नहीं की? ये खबर आई कहां से थी कि अमित शाह मिलने बुला रहे हैं या मिलने आएंगे? मीडिया के थ्रू उन्होंने अनाउंस किया, तो मीडिया के थ्रू ही हम लोगों ने मतलब उनको ये मैसेज पहुंचाया कि हम लोग कल 2 बजे। लेकिन पुलिस तो आपको इस तरह से जाने देगी नहीं, क्योंकि एक नहीं दो नहीं तीन
टायर बैरिकेटिंग कर दी गई है, सिक्योरिटी को इतना इनहेंस किया गया है, ऐसे तो जा नहीं सकते। ये बात तो हम अमित शाह गृहमंत्री उनसे पूछे, नहीं नहीं ये बात उनसे पूछे जब वो ओपनली इनवाइट कर रहे हैं, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि पुलिस नहीं आने देगी। जब सोशल मीडिया पे वो ये बात बोल रहे हैं तो हमने भी उस बात का रेस्पेक्ट की और हम आगे बढ़े और बिना किसी हिंसा के हम लोग वापस आ गए। लेकिन वो तो बार बार ये कहा जा रहा है कि अमित शाह बोल रहे हैं कि मेरे पास आइए, मेरे पास आइए, और फिर वो मुकर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम तो ये उनसे उम्मीद करते हैं कि वो एक जिम्मेदार होम मिनिस्टर होने के नाते जो भी बात वो मीडिया पे अनाउंस करें या रिलीज करें तो अपनी बात पे रहें। उनको ये बात नहीं करनी चाहिए कि आज वो कुछ बोल रहे हैं और कल को वो उस बात से बिल्कुल मुकर जाते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये चीज हम उनसे कहना चाहते हैं सबसे पहले तो कि आपस में भी अपनी एक बात रखें। मोदी जी कुछ कहते हैं, अमित शाह जी कुछ कहते हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसने बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। विकास पे बात नहीं करते हैं किसी चीज़ बिल्कुल विकास पर बात नहीं करते, महंगाई पर बात नहीं करते, जीडीपी पर बात नहीं करते, लेकिन ये जो टेंट जो गड़ा हुआ है आज जिसको लगभग 65 दिन के आसपास हो चुके हैं, आप लोग जिस मकसद से जा रही थी कि आप लोग एक मेमोरेंडम लेके जाएंगी, वहां ज्ञापन सौंपेंगी, लेकिन क्या इतना आसान आपको लगता था कि पुलिस आपको जाने देगी? या फिर अमित शाह ने जो किया वो ये सब कुछ एक ड्रामा था कि आप लोगों को यहां से बुलाया जा रहा है और सोशल मीडिया के थ्रू आपको कहा गया कि आप आइए मिलिए? देखिए जो पुलिस है ना वो अपनी मर्जी का नहीं करती है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसकी मर्जी का करती है। पुलिस के ऊपर कोई राइट नहीं है पास के वो अपनी मर्जी से किसी को बुरा कहे या भला कहे। मुझे तो खुद पुलिस वालों पे तरस आता, बेचारे दिन रात यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। हम तो खुद उनको पानी ऑफर करते हैं, चाय ऑफर करते हैं, फ्रूट्स ऑफर करते हैं कि आप लोग हमारी तरह, हम प्रोटेस्ट अपना कर रहे हैं, आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो अपने हक का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तक इतना इजीली आपको यहाँ से लेकर के होम मिनिस्टर तक पहुँचा दिया जाएगा हम सारी महिलाओं को? हम अपनी मर्जी से अव्वल तो जा नहीं रहे, हम अपनी मर्जी से तो अव्वल जा नहीं रहे। दूसरी चीज हमें जो है स्टेटमेंट मिली कि आप हमें तीन दिन के अंदर आप हमसे हमें एप्लीकेशन दे, अपॉइंटमेंट लेटर मैं आपको दूंगा कि आप हमसे 3 दिन के अंदर मिले, ठीक है? पहले उन्होंने ये ऑफर हमें किया, हमने अपनी तरफ से ऑफर उनसे मांगा नहीं था, है ना? हम काफी दिन से बोल रहे थे कि आप हमसे आके बात करें, हमसे आके बात करें। हमने ये बोला था हमें बुला लीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला था। फिर भी उनके चलो उनकी मर्जी, बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी कुर्सी की रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने हमें ऑफर दी कि आप आइए हमसे बात करिए। इस पूरे प्रोटेस्ट का कोई एक चेहरा नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के आज दिल्ली पुलिस ने अपने जो बैरिकेड्स लगा रखे हैं, पूरी बाकायदा फोर्स वहां लगाई, महिला पुलिसकर्मी वहां लगाए, और उसके बाद इन माँ बहनों को जो यहां से जाना चाहती थी गृहमंत्री अमित शाह से मिलने, उन्हें रोक दिया। देखिए मैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ये कहना चाहती हूँ, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन हम कल सुबह जब सवेरा छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम नए दिल के नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। आप लोगों को रोक दिया गया है तो अब आप क्या आगे कोशिश करेंगे दोबारा जाने की? हाँ बिल्कुल, लेकिन संवाद तो होना चाहिए ना, बात क्यों नहीं कर रहे सरकार और उसमें आवाम में बात तो होनी चाहिए। आप बात कोई नुमाइंदा नहीं भेजते ना बुलाते, ये हो क्या रहा है? आप लोगों में कुछ गड़बड़ हो रही है, ये आप समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है? आप क्लियर करिए, अगर हम कंफ्यूज हो तो हमें क्लियर कर दीजिए, हम हट जाएंगे। ये तो बहुत ईजी बात है, गलतियाँ सबसे होती है, हमसे भी आपसे भी सब सुधार के हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी थे हैं और रहेंगे। देखिए हम लोग तो अपने आप नहीं जा रहे थे, जब अमित शाह ने चैनल के माध्यम से हमसे कहा जिनको प्रॉब्लम है शाहीनबाग के प्रोटेस्टर को वो लोग हमसे मिले, इसलिए हम सब लोगों ने इरादा किया तो पुलिस ने हमें परमिशन नहीं जी, वही लोग बुला रहे थे। अब ये बताइए पॉलिटिकल, आप हमारे साथ पॉलिटिक्स, हमें बुला रहे हो फिर बाद में ट्वीट कर रहे हो, मना कर रहे हो, ये चीज़ गलत है। शाहीनबाग के लोगों के साथ चीज़ ये करना ये गलत है। आप मत बुलाइए हमें, आप यहाँ पर आइए, आपका वेलकम करेंगे हम लोग। या चलिए आप आना नहीं चाहते, यहाँ पर कोई वजह है तो आप किसी तरह लाइव चलाइए, हम विड्रॉ कर रहे हैं ये बिल। झूठे मोदी तो झूठ बोलते रहे, अमित शाह भी झूठ बोलने लगे और हमारे साथ खड़ा गलत चीज करने लगे, यहाँ की जनता के साथ उन्होंने मजाक उड़ाया। जब हमें बुलाया हम गए तो उनकी पुलिस ने हमें रोक दिया, जाने नहीं दिया, परमिशन नहीं दी, ये चीज ओखला वासियों को बहुत ज्यादा बुरी लगी। हिल जा दिल्ली, आजादी को ऐसे बोलो, आजादी ऐसे, आजादी और एनपी ऐसे, आजादी और एनआरसी से, आजादी और आरएसएस से, आजादी और बीजेपी से, आजादी और चट्टी गैंग से, आजादी और चट्टी गैंग से, आजादी और गद्दारों से, आजादी और बेईमानों से, आजादी और छुआ
छूत से आजादी, अरे हाँ कहने की आजादी, अरे ना कहने की आजादी, महिलाएं मांगे आजादी, सुनसान सड़क पे आजादी, सुनसान सड़क पे आजादी, अरे बच्चे मांगे आजादी, अरे बच्चे मांगे आजादी, और भाई भी मांगे आजादी, और दादा मांगे आजादी, और दादी मांगे आजादी, और खाला मांगे आजादी, और मामा मांगे आजादी, तू कैसे न देखगा आजादी, तू कैसे न देखगा आजादी, तेरा बाप भी देखगा आजादी, सुन ले मोदी आजादी, सुन ले योगी आजादी, सुन ले अमित शाह आजादी, हम नहीं डरेंगे आजादी, हम नहीं डरेंगे आजादी, हम नहीं झुकेंगे आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, हम यही रहेंगे आजादी, हम यही रहेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, तू क्या सबक दे आजादी, तू क्या सबक दे आजादी, मैं मर भी जाऊं आजादी, मेरा कफन पे लिखना आजादी, मेरा खून पे लिखना आजादी, अरे प्यारी प्यारी आजादी, और जान से प्यारी आजादी, अरे प्यारी प्यारी आजादी, और जान से प्यारी आजादी, पास ताड़ी पास चौकीदार चौकीदार चाय वाला चोर है, अरे जा 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 चाय भी जय भीम जय भीम, जा 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 चाय भी जय भीम जय भीम, जा 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 चाय भी जय भीम जय भीम, बाकी 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 यार सही बात सही बात, 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 साइन बात संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, साइन बात संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं।